नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 29 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबका एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम 23 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबका यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का हमारा यह वीकली सेशन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन के माध्यम से करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज किन-किन टॉपिक्स को हम यहां देखने वाले हैं तो सबसे पहले उन सभी टॉपिक्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करने जा रही है। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध में किया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार कुछ चयनित मार्गों पर सागरमाला सी प्लेन सेवा की परियोजना शुरू करेगी और सागरमाला सी प्लेन सेवा जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेन देन की सुविधा में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। इसके बाद हाल ही में राजस्थान राज्य में बर्ड फ्लू की चपेट में आने के कारण सैकड़ों कौओं की मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से अधिकारियों द्वारा राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि एक बार फिर से हमारे देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। और इसके बाद हमारा टॉपिक है, 1 जनवरी 2021 सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन डे एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, केंद्र सरकार ने नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि आफ्सपा को नागालैंड में 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को शुरू करने की योजना बनाई है। इसके बाद अगला टॉपिक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉली नेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और फिर आज का हमारा टॉपिक होगा, भारत में पहला ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। और आज के इस एनालिसिस वीडियो का हमारा लास्ट का टॉपिक होगा, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो चलिए अब हम हर एक टॉपिक का एनालिसिस यहाँ ब्रीफ में करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पे 1 से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया किसके द्वारा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 के मुकाबले भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहा, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों ही क्वेश्चन का करिएगा, इसका आंसर इस वीडियो के एंड में दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जो गैस का कनेक्शन होता है वो पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और इसके फायदे ये होते हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का हास्य कम होता है और इसके अलावा इस पर खर्च भी बहुत कम पड़ता है। आपको बार बार घर में सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सीधा पाइपलाइन के जरिए आपके घर में गैस का कनेक्शन पहुंच जाएगा।
तो कौन कौन से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर देख लीजिए। किसके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब किया गया, 4 जनवरी 2021 को। लंबाई याद रखिएगा 450 किलोमीटर का है। निर्माण किसके द्वारा किया गया इस पाइपलाइन का, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के द्वारा। और प्रतिदिन परिवहन की क्षमता तकरीबन 12 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर है और कुल लागत इस पर आया है लगभग 3000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा ये तो हो गया कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। एक और गैस लाइन प्रस्तावित है जिस पर निर्माण चल रहा है, वो है आपका इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछाया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर है आपका कौन सा, मैंगलुरु कहाँ स्थित है, आपका कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से ये जो गैस का पाइपलाइन है लगभग 450 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये आपका केरल तक जा रहा है। और ये पूरे रास्ते भर में जितने भी शहर पड़ते हैं वहाँ पर गैस का कनेक्शन जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ जैसे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया, 450 किलोमीटर इसकी कैपेसिटी और इसका कॉस्ट ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप याद रखिए, ये तो हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण जो है भारत में किया जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण कौन से देश में किया गया, फिर कौन से देश में स्थित है, तो आंसर होगा आपका चीन। चीन में अभी दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है। तो हम भारत की इस परियोजना के बारे में समझ लेते हैं। निर्माण कहाँ किया जाएगा, नर्मदा नदी पर, उंगेश्वर बांध में। राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। शुरुआत कब से यानी कि लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2022 से 2023 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। कैपेसिटी कितना होगा, 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का होगा। कॉस्ट कितना आने वाला है, तो 3000 करोड़ रुपीज आने वाला है। और इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड दिया जाएगा। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर उंकेश्वर बांध में जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सौर प्लांट का निर्माण भी कौन से राज्य में किया गया है, कहां, आपका मध्य प्रदेश में ही किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर है। तो इस तरह से नदी हो गया, बांध हो गया, या फिर तालाब हो गया, या समुद्र में भी लगाया जाता है, और इस तरह से सोलर पैनल लगाया जाता है, इससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आप अगर लैंड पे लगाते हो तो उसके लिए प्रॉपर आपको जगह चाहिए, प्रॉपर एरिया चाहिए। और पानी में लगाने से वहां पर उस एरिया की बचत हो जाती है, उस एरिया पे कुछ और डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और एक तो आपको पता है कि पानी जब गर्म होता है तो देर से ठंडा होता है, तो इससे भी इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। सूर्य की किरणें अच्छे से मिल पाती हैं, अगर जलीय सतह पे इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं तो सूर्य की किरणें भी इसे ज्यादा प्राप्त होती है, क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, हेडिंग गलत दिया हुआ है तो सुधार लीजिएगा। भारतमाला सी प्लेन सेवा से संबंधित है। तो भारत सरकार द्वारा कुछ चयनित मार्गों पर सागरमाला सी प्लेन सेवा की परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। सागरमाला परियोजना क्या है, सागरमाला परियोजना सागर को आपस में जोड़कर वहां पर डेवलपमेंट का कार्य करना, पोर्ट डेवलप करना, ये सब सारी चीजें किसके अंडर में आती हैं, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत में आती है। तो यही सागरमाला परियोजना के अंतर्गत एक सी प्लेन सेवा शुरू किया जा रहा है, और यह जो है जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत सी प्लेन सेवाएं जो है उड़ान पहल के तहत संचालित की जाएगी। और उड़ान पहल का मतलब क्या है, पूरे देश का आम नागरिक इस पहल के तहत में इस सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो टूरिज्म अट्रैक्ट बढ़ेगा, जिसमें भारत में आने वाले टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा लोकल लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। और कौन कौन से सी प्लेन सर्विसेज के तहत कौन कौन से स्थान को शामिल किया गया है, तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, गुवाहाटी रिवर फ्रंट है, इसके अलावा यमुना रिवर फ्रंट हो गया, इसके अलावा उमरागांसू जलाशय हो गया, मुंबई द्वारका कांडला खिंसी बांध, और इसके अलावा इराई बांध, यहाँ पर सी प्लेन को जो है वो शुरू किया जाएगा। एक सवाल है आपके लिए यहाँ पर, बताइए कि भारत का पहला सी प्लेन जो है वो कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो वो आपका गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में कहाँ,
तो जहां आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया गया है यानी कि केवड़िया में, वहीं पर पहला सी प्लेन शुरू किया गया है। कब किया गया है? आपका 31 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि पहली सी प्लेन भारत में सेवा जो है कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हाल ही में RBI द्वारा जारी किया गया है। इस पेमेंट इंडेक्स को जारी करने के पीछे का जो उद्देश्य है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सामने लाना और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर आसानी होती है, इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज किया गया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, RBI के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देश में डिजिटल कैशलेस भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके, इसके लिए कुल 5 पैरामीटर्स हैं और इस 5 पैरामीटर्स के आधार पर ही इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो पेमेंट इनेबलर्स इसके पहला पैरामीटर है और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड इसका दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड और पेमेंट परफॉर्मेंस इसका चौथा पैरामीटर है और पांचवा पैरामीटर है इसका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो इस 5 पैरामीटर के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर आप देख सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष जो लिया है वो 2018 लिया है और वर्ष 2019 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक 153.47 था और वर्ष 2020 के लिए 207.84 था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 तक 6% तक संकुचित हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जो है वर्ष 2020 और 21 में भी शुरू रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरना शुरू होगा वर्ष 2021 और 22 से। इस वक्त 5.5% की रिकवरी कर लेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है आर्थिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में लगभग 4% का विस्तार होने की संभावना जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बता दीजिए कुछ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया? तो वर्ल्ड बैंक को 1945 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के टोटल मेंबर अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने हैं? 189 वर्ल्ड बैंक के टोटल मेंबर हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे देश में वर्ड फ्लू का खतरा जो है एक बार फिर से बढ़ने लगा है। राजस्थान में वर्ड फ्लू का प्रकोप देखा गया, जहां पर बहुत सारे कौओं की जो मृत्यु है वो वर्ड फ्लू की वजह से हो गया है। वर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में जाना जाता है, यह एक अत्यधिक संक्रमण, आप इसे विषाणु कह सकते हो, आप इसे वायरस कह सकते हो, एक जनित रूप से बीमारी है जो कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाले कई प्रकार के पक्षियों की प्रजाति में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप मुर्गी देख सकते हो, टर्की, बटेर, गिन्नी मुर्गी आदि। यानी कि आप सुनते हो ना कि जब भी बर्ड फ्लू फैलता है तो चिकन नहीं खाना चाहिए, सारी चीजें नहीं खाना चाहिए। तो बर्ड फ्लू का जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा है वो इसी पक्षियों में आ जाती है, जिसकी वजह से बर्ड फ्लू फैलता है। फिर अगर इस चीज को इंसान खाता है तो इंसानों में भी वायरस जो है वो पहुंच जाता है। तो वर्ड फ्लू से रिलेटेड यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। तो सबसे जो घातक होता है वो ए कैटेगरी का होता है और ए कैटेगरी का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकारों में ए H5N1, ए H7N9 और ए H9N2 वायरस शामिल है। और इसके अलावा बी और सी है ये कम प्रभावशाली होते हैं, यानी कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो भी फर्क पड़ता है ए टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस से ही पड़ता है। क्लियर है? और ए टाइप के इन 3 वायरस का नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के बारे में है। ये हाल ही में सदस्य बन चुका है। किसका? तो ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का
सदस्य बन गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें, यानी कि IFSCA की बात करें, तो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में यानी कि पिछले वर्ष ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये क्या है, तो ये भी याद रखिएगा कि एक घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है, गिफ्ट सिटी में। तो इस तरह से आप यहां पर IFSCA के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बारे में भी याद रखिएगा, इसे स्थापित कब किया गया, 1983 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में स्थित है। इस एजेंसी का एशिया का पैसिफिक हब कहाँ है, तो कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में स्थित है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के जितने भी प्रतिभूति नियामक को एक साथ लाता है, और ISCO विश्व के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है तथा प्रतिभूति क्षेत्र के लिए लिए गए वैश्विक मानक निर्धारित का कार्य करता है। जैसे इंडिया में सेबी है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका IOSCO है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन, ठीक है। और सेबी भी जो है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी इसका सदस्य है, समझ गए। तो सेबी को अगर मैंने यहां पर बता दिया, तो इस एजेंसी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट्स वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हाल ही में सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और साथ में CEO भी अपॉइंट किया गया है, और किनकी जगह पर, विनोद कुमार यादव की जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। इनकी अगर हम बात करें तो ये 1978 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और इन्हें पहले वे जो है पूर्वी रेलवे में जनरल मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। तो रेलवे का चेयरमैन और साथ में CEO अपॉइंट किसे किया गया है, खासकर ये ध्यान रखिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जितने पॉइंट्स मैंने बताया उसे ध्यान रखिएगा। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करता है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, इस उपक्रम की पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट किन्हें किया गया है, सोमा मंडल इनका नाम है। कब से अपॉइंट किया गया, 1 जनवरी 2021 से, और इन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे, क्लियर है। चलिए, अगला टॉपिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि विश्व और भारत की सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है, भारत की तो सबसे बड़ी है, और विश्व के उत्पादन करने की क्षमता में इसकी जो स्थान है वो 24वीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष जो स्टील का उत्पादन का इसका क्षमता है वो है 14.38 मिलियन टन, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, आप्सपा को नागालैंड में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हर बार बढ़ाया जाता है और इस वर्ष भी बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड क्षेत्र को फिर से अशांत घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि आप्सपा को फिर से 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आप्सपा का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। इसे जैसे 1958 से क्लियर है, इसे 1958 में लागू किया गया था, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अगर कोई क्षेत्र अशांत घोषित है, चाहे वहां पर इंटरनल मैटर की वजह से अशांत हो, चाहे एक्सटर्नल मैटर की वजह से अशांत हो, चाहे नक्सली या फिर किसी और मैटर की वजह से अशांत हो, तो वहां आप्सपा लागू किया जाता है। और आप्सपा लागू करने के बाद से जो आर्म फोर्सेज होते हैं वो बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकते हैं, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, आपका जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इस तरह के सीधे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर जो है वो आप्सपा देता है, और इस अधिनियम के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई तथा समुदायों के बीच विवादों के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है और उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। वर्तमान में आप्सपा कौन कौन से राज्य में लागू है, असम के कुछ हिस्सों में लागू है, नागालैंड में लागू है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है,
पूरे हिस्से में नहीं, कुछ हिस्से में लागू है, और इसके अलावा मणिपुर में भी कुछ हिस्सों में लागू है, मेघालय में भी, और जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। तो कौन कौन से राज्य में लागू है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ही एक परिकल्पना ली गई थी इस तरह से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को स्थापित किए जाने का, ताकि खासकर टेररिस्ट को ट्रैक किया जा सके। तो अब जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का स्थापना किया गया है, जिसकी शुरुआत हाल ही में 31 दिसंबर 2020 से की गई है। बहुत सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, जैसे CBI हो गया, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग, और इसके अलावा NCB यानी कि नारकोटिक क्राइम ब्यूरो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनको डेटा प्रोवाइड करवाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो याद रखिएगा, और इस परियोजना की जो कॉस्ट है लगभग आपका 3400 करोड़ रुपए के आसपास है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी परिकल्पना जो है वो 26/11 आतंकी जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ही लिया गया था। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है, डॉक्टर हर्षवर्धन को GAVI वोट के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये GAVI क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम पर कोरोना और वैक्सीन ये सब बहुत चर्चा में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। GAVI का मतलब है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इस एजेंसी का काम यह है कि जो भी वैक्सीन लगाया जा रहा है उसका पर्टिकुलर जांच करना, किस तरह से वर्ल्ड में उसको उसका सप्लाई होना चाहिए उस पर नज़र बनाए रखना, यानी कि वैक्सीन के सप्लाई एंड डिमांड पर नज़र बनाए रखना, सही तरीके से लोगों को मिल रहा है या नहीं इस पर नज़र बनाए रखना इस एजेंसी का काम होता है। तो हाल ही में GAVI वोट के सदस्य के रूप में नामित किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का, और इनका कार्यकाल जो है 21 से लेकर 2023 के बीच में होगा। और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व भी जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कौन से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बस इतना याद रखिएगा, उत्तराखंड में। पोलिनेटर पार्क जो है वो एक पक्षियों से संबंधित है, तितलियों से भी संबंधित है, और इस पोलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े के लगभग 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। और इसका निर्माण जो है लगभग चारेगढ़ में किया गया है, और निर्माण जो है उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया जा रहा है। बस छोटा सा टॉपिक है, बस याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च की गई है। कहां? दिल्ली मेट्रो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 28 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। याद रखिएगा, ड्राइवरलेस पहली ट्रेन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 38 किलोमीटर लंबी यह ड्राइवरलेस ट्रेन होगी जो कि मेट्रो ट्रेन है। ठीक। चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के इस एनालिसिस वीडियो का, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी। अभी हाल फिलहाल में लिथियम बहुत चर्चा में है, क्योंकि इंडिया ने यह फैसला लिया है कि चाइना से इंपोर्ट ना करके अब अर्जेंटीना से इंपोर्ट करेगा लिथियम, और भारत में इसकी रिफाइनरी भी डाला जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं किया जाता है। अभी तक लिथियम जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था चाइना से, क्योंकि अब भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, इसलिए लिथियम का रिफाइनरी जो है वो गुजरात में लगाया जाएगा। और लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि आपके मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है वो लिथियम से बना हुआ है। इसके अलावा सोलर पैनल में जो बैटरी लगता है उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। इसके लिए सबसे बड़ी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनी में से एक है मणिकरण पावर लिमिटेड, ये लगभग 1000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो इस तरह से आप इतने पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में और भी टॉपिक है क्या? एक और लास्ट का टॉपिक है, तो इसे भी देख लीजिए। सॉरी, टॉपिक है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से रिलेटेड। तो सर गारफील्ड सोबर अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? ICC के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट के द्वारा दिया जाता है। किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत के कप्तान विराट कोहली को प्राप्त हुआ है, और इस दशक का सबसे बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड भी विराट कोहली को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 ODI के लिए इस दशक का टेस्ट टीमों की घोषणा भी की है, और T20 टीम की भी घोषणा की है, और ODI की भी घोषणा की है। तो इसमें जो कप्तान नियुक्त किया गया है वो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है।
ओडीआई के लिए और टी20 के लिए इस दशक का कप्तान चुना गया है। तो याद रखिएगा सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के लिए भी और दशक का जो टीम बनाया गया टी20 ओडीआई आईसीसी की तरफ से उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा आज का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का एनालिसिस वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।